मौसमी चटर्जी कलकत्ता में जन्मी हैं। उनके पिता फौज में थे। इसके अलावा उनके दादा जज के रूप में काम कर चुके थे। उनका एक भाई तथा बहन है। उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में जयंत मुखर्जी से हुआ। वे महान गायक हेमंत कुमार के पुत्र थे। उनकी दो बेटियां हैं जिनके नाम पायल और मेघा हैं। उन्होंने अपना फिल्मी सफ़र शादी के बाद शुरू किया था, जो कि उस समय बड़ी ही अनोखी बात थी। बॉलीवुड में मौसमी चटर्जी को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपनी रुमानी अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बनाए रखा। 26 अप्रैल 1953 को कलकत्ता में जन्मी मौसमी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 1967 में प्रदर्शित बंगला फिल्म बालिका वधु से की थी। उनके पिता प्रांतोष चट्टोपाध्याय आर्मी ऑफिसर थे। मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है। बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर तरुण मजुमदार ने उनका नाम बदलकर मौसमी रख दिया था। इसके बाद मौसमी पहली बार हिंदी फिल्म अनुराग में साल 1972 में नजर आई थी। मौसमी का जन्म कोलकाता में हुआ था और वो वहीं पली बड़ी। मौसमी की हिट लिस्ट में अंगूर, मंजिल और रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में शामिल हैं। मौसमी के बारे में कहा जाता था कि वो बिना ग्लिसरीन के ही रो पड़ती थी। बिना ग्लिसरीन के ही रो पड़ने के सवाल पर एक बार मौसमी ने बातचीत में कहा था, हाँ ये सच है, ये भी ऊपर वाले का दिया हुआ एक वरदान है। जब किसी दृश्य में मुझे रोना होता था तो मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है और मैं रो पड़ती थी। मौसमी ने कच्चे धागे, संतान, जहरीला इंसान, करीब, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मांग भरो सजना, ज्योति बने ज्वाला, दासी, अंगूर, घायल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है।